सबसे पहले तो बिलाल भाई मैं शुरू करना चाहूँगी आपसे, एक ऐसा शख्स जो कि आशिक रसूल हो, आशिक अहल बैत हो, और जब वो रखते सफ़र बांधता है ज़्यारत के लिए, तो क्या क्या चीज़ों की वो तैयारी करता है? आपकी क्या तैयारियाँ थी, क्या एक्सपेक्टेशन थी, आपने क्या सोचा था और जाके आपने क्या देखा? बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहली बात तो ये कि मेरे ख्याल में ये हाज़िरी होती है, और जब तक ये कॉल ना आए तब तक कोई भी शख्स जो है वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। बिल्कुल सही। मेरा इस बात पे बहुत ही ज़्यादा ईमान है, लेकिन मैं बड़ी ईमानदारी से अर्ज़ करूँ इस बात पे आने से पहले कि हम उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाहिद वो उम्मत हैं जो, देखिए 125,000 नबियों का तस्करा है, तकरीबन 25 से 27 जो है वो कुरान हकीम के अंदर उनका जिक्र है, लेकिन किसी भी नबी किसी भी पैगम्बर की उम्मत ने नबी के दुनिया के जाने के सिर्फ 50 साल में, जबकि उसके सहाबा जो हैं वो अभी हयात हों, 50 साल में उसी के उम्मतियों में उसने उनके अपने खानदान को कभी इस तरह खत्म नहीं किया जिस तरह के ये काम जो है ये मुसलमानों ने किया। ये बड़ी बदकिस्मती की और बड़ी शर्मिंदगी की बात है मेरे ख्याल में, बैसियत एक मुसलमान मुझे जाती तौर पे, लेकिन दूसरी तरफ मुझे इससे भी ज्यादा शर्मिंदगी इस बात की होती है कि देखिए आप अपने घर के बाहर हों, अगर कोई बच्चा रो रहा हो तो आप नहीं पूछेंगे कि बेटा क्या बात है? अगर कोई हमसाये में कोई मौत हो जाए तो आप वहां पर ताजियत के लिए नहीं जाएंगे? अगर कोई बाहर अपने जानवर को, पालतू जानवर को भी मार रहा हो तो आप उससे भी पूछेंगे तो जरूर कि भाई क्या बात है, क्या हुआ? इमाम के 72 शहीद वाहिद वो शहीद हैं इमाम के साथ मिलाकर, जिनको 30,000 लोगों ने खड़े होकर शहीद होते देखा, किसी ने ये नहीं पूछा कि क्या बात है, क्या बात है, क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? ये शर्मिंदगियां जो है मेरे दिल में एक सोचने समझने वाला मुसलमान जो है वो अपने दिल में लेकर पलता है, बढ़ता है, बहुत सी बातों का जवाब होता है, लेकिन बहुत सी बातों का जवाब शायद कहा नहीं जा सकता क्योंकि हम इतने ज्यादा बिखर चुके हैं तमाम लोग। ये जो सफर है मैं इसे सफर इश्क कहता हूँ, बिल्कुल ये सफर इश्क है। मैं जिस उम्र के हिस्से में हूँ मेरे ख्याल में मैं ये मशवरा दे सकता हूँ अपने तमाम नौजवानों को कि वो जिस मर्जी मसलक से ताल्लुक रखते हो, वो एक दफा अपनी जिंदगी में ये सोच लें कि हमने अपना जो शादी का इब्तदा है जिसको हनीमून कहते हैं, हम उसको या ज्यारतों पे लेकर जाएं या उम्रे पे लेकर जाएं, कितनी प्यारी बात, अल्लाह ताला वहां से बरकात का दर्जा शुरू करे, लेकिन ज्यारतों का जो ताल्लुक है ये उम्रे के ताल्लुक से इसको कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। वो एक इबादत बिल्कुल और तरह की है, इनका कोई कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। मैं पहली दफा ईरान गया था इमाम रजा के रोजे पे, और मैंने वहां पे जिंदगी में जो सबसे ज्यादा मेरे साथ, मैं उस वक्त अपने कुछ तालिबे इल्मों के साथ गया था, और अगर पुराने लोग वहां पे जानने वाले हों तो इमाम के रोजे की जब एक्सटेंशन नहीं हुई हुई थी तो उसके बिल्कुल सामने एक बाजार होता था जिस तरह के हमारा वॉल्ड सिटी है, उसको कहते थे बाजारे बुजुर्ग। उस बाजार को डॉक्यूमेंट किया था मैंने क्योंकि वहां पे तरक्की हो रही थी, तो उसको जिस तरह हम अपनी वॉल्ड सिटी को डॉक्यूमेंट करने हैं उसको डॉक्यूमेंट करने का प्रोजेक्ट था। तो बहुत दिन वहां पे रहे, इमाम के रोजे पे सामने बैठ के जो कैफियत होती थी, अगर मैं उसको एक लफ्ज से कहूं तो शायद वो ज्यादा एक्सप्लेनेबल हो, ट्रांस की हालत होती थी, ट्रांस में इंसान चला जाता था, और वो ट्रांस मिलती थी कि इंसान शायद जिक्र करता हुआ भी शर्मिंदा हो। मेरे ख्याल में जो बात कहने और करने वाली है ना वो उस कैफियत की है जो कि वहां पे दिल पे जाके या हालात में जाके वारिद होती है। वो कैफियत कल्ब जो है मुझे लगता है कि यही अल्लाह की वो जो बात है ना कुरान की के दो उंगलियों में मैं मोमिन के दिल को पलट देता हूं, वो दिल पलटना जो है वो वहां पे जाके नजर आता है। लेकिन उसके बाद जो बहुत बड़ा मेरे ख्याल में एक हौसला मंद सफर आता है जो कि यहाँ से आपको करना चाहिए, जो तमाम लोग जो जाते हैं वो इमाम सईदा के पास जाना चाहिए, कुम में। जी जी, कुम की बहन जो है अंदर जो जी 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 जी, और ये सईदा जो है यहाँ पे आज भी देखिए कि आपको आप हम जाते हैं जब भी मज़ारों पर दरबारों पर तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो न्याज है वो क्या बट रही है, वो न्याज जिस तरह बटती है इस पे मैं बाद में आता हूँ, लेकिन सबसे बड़ी न्याज जो कुम ने इस दुनिया को मेरे ख्याल में दी है जिसका कि हम तस्करा नहीं करते वो हौजे की है, वो है तालीम देने की, वो है उन मदारिस को जिंदा करने की जिससे कि इस वक्त दुनिया जहान के अंदर
हैं कि कुंभ में बहुत ज़्यादा ऐसी यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं, इसलिए हम अपने बहुत सारे उलमाए दीन को देखते हैं कि वो यूनिवर्सिटी ऑफ कुंभ जो है वो वहाँ पे जाते हैं और उसके बाद उस दरसगाह से पे निकलते हैं। मस्जिद जमकरान का एक बड़ा वो है, वहाँ पे नमाज की बड़ी अहमियत है। पहली बार जब ज़ियारत पे गए थे, जो जैसे अभी बता भी रहे हैं, तो आपकी उम्र क्या थी और आपकी अपनी क्या तैयारी थी ना? बच्चे भी, अगर आप बच्चे भी होते तो आपकी जिन में बड़ी चीज़ें होती कि अच्छा मैं जाऊँगा। मौला अली का रोज़ा जो इमाम रजा के मशद में का मेरी पहली ज़ियारत थी, और मैं अपने नाना अम्मी अब्बू हम सब सारे मिलके गए थे। और मशद की, जैसे बिलाल भाई ने कहा, एक बात है, मशद एक ऐसी जगह है जो बड़ी ठंडी, जिसे कहते हैं ना, बड़ा ही पुरसकून जगह है, और उतना ही बिजी वो रोज़ा है। वहाँ पे हर वक्त आपको लाखों लोग दिख रहे होते हैं और आपको इमाम रजा के रोजे पे समझ नहीं आ रहा होता है लोग आ कहाँ से रहे हैं और जा कहाँ से, कैसे है। तो और वहाँ पे एक जो बड़ी जबरदस्त चीज है इमाम अली रजा के रोजे पे, वो है उनका दस्तरखान जी। और उस दस्तरखान की क्या बात है, उस दस्तरखान का क्या खाना है। और सबसे पहले वो दस्तरखान जो है वो अकोमोडेट करता है टूरिस्ट को कि आप अपना पासपोर्ट दिखाए आप अंदर जाए। और कहते हैं ना कि मौला का दस्तरखान है, तो उस पर आप एक आदमी भी बैठता है ना, तो आपके सामने टेबल आपकी ऐसी रखी जाती है कि कहा जाता है कि मौला, मतलब क्या मैं इतना डिजर्व करता हूँ कि जो आपकी तरफ से ये मेरी मेहमान नवाजी हो रही है। तो वो फिर आप कहते हैं कि जो दस्तरखान जो है इसको जो होस्ट करते हैं इमाम रजा उनके रोजे के अंदर सारे मुंतजिम, तो लोकल्स को वो इजाजत नहीं है उस दस्तरखान में आने की। तो आपके पास इतना खाना होता है कि जब आप बाहर निकल रहे होते हैं तो एक बिल्कुल एक बहुत बड़ी सी तादाद में लोग खड़े हुए होते हैं और होते हैं कि हमें नियाज करा दो, हमें नियाज करा दो। तो वो लोग आप उनमें बांटना, फिर एक तो वो नियाज आपको अंदर हो रही है और वो दस्तरखान है, फिर वो दस्तरखान को आपको बांटने का भी मौका मिलता है लोगों में। तो वो बड़ी मतलब सोचे ये क्या हस्तियाँ कि अगर हम स्पेसिफिकली मुहर्रम के हवाले से बात करें तो इनके सदके का जितना रिस्क तकसीम होता है पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी, आप फिर वो देखें अगर हमें इस पर्सपेक्टिव से भी देखें तो एक से दस मुहर्रम में सिर्फ आप कराची के स्टैट्स की बात करें तो छोटे छोटे इलाकों की अगर मैं बात करूँ तो करोड़ों रुपए का तो सिर्फ फूड बिजनेस है। बिल्कुल सही बात। कौन किस तरह से क्यों किसके लिए कर रहा है ये सवाल जवाब नहीं है। मखलूक के खुदा की भूखी भी नहीं सोती। उस्मा ताहिर ने भी मैं ब्रेक में ज्वाइन कर लिया, अस्सलाम वालेकुम उस्मा। और लाहौर से हमारे साथ गाजी तैमूर है, और गाजी की तो हम स्पेसिफिकली स्टोरीज भी देखते हैं कि जिस तरीके से बड़े खूबसूरत तरीके से ये हमारी यूथ को जो है ना ये कैटर करते हैं, हाँ मोटिवेट भी कर रहे हैं कि लोग जाएँ चाहे वो उनका किसी भी सेक्ट से ताल्लुक हो। गाजी आप मुझे बताएं, जब आप पहली बार ज़ियारत के गर्ज से गए थे, सफ़र किया था आपने पहला, जो क्या उम्र थी आपकी और क्या क्या आपने तैयारियां की थी? जी थैंक यू सो मच मतिया। सबसे पहले तो मैं ये आपको मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपने शो पे बुलाया। मैं एक अदना सा नौकर, एक अदना सा फ़कीर हूँ जिन हस्तियों की बात कर रहे हैं हम, मेरी औकात नहीं है कि मैं उनके बारे में भी बात कर सकूँ। हमें से किसी की नहीं, ना कभी हो सकती है। ये सिर्फ ये कि मैंने अपने बड़ों को देखा, मैंने अपने बड़ों से सीखा कि किस तरीके से मवद्दत, किस तरीके से इश्क, किस तरीके से मोहब्बत उनकी ज़िंदगियों में, किस तरीके से वो दीवानगी उनकी ज़िंदगियों में ऐसे शामिल थी। और वो कॉन्स्टेंटली जब अपने नाना दादा अपने वालदैन को अपने इर्द गिर्द देखा कि किस तरीके से हमने अपनी सकाफत को हमने रहन सहन को हमने इस तरीके से इश्क इस तरीके से उसके अंदर समा लिया है कि हमारा उठना बैठना इश्क की रिप्रेजेंटेशन करता है, इश्क की मैनिफेस्टेशन होता है। हमारे कोई अगर हमारे किसी का इंतकाल हो तब भी हुसैन हुसैन होता है, जब भी अगर अभी किसी की नई औलाद किसी की औलाद हो तब भी उनका ही नाम लिया जाता है, अगर किसी का निकाह हो रहा हो तब भी उनके बच्चों को याद किया जाता है। ये इश्क जो है वो एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल होता है।